रकीब चौधरी अपनी पत्नी साली और अपनी छोटी नौकरानी के साथ एक बड़े रेस्तरां में दाखिल हुए। अच्छे टेबल देखकर सब जाकर टेबल पर बैठ गए। नौकरानी को उसी टेबल पर बैठा देखकर रकीब चौधरी की पत्नी लड़की से नाराज हो गई और उसे वहां से दूर एक टेबल पर बैठने को कहा। एक बच्ची उनके घर काम करती है। रकीब चौधरी की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर नौकरानी परेशान हो गई और वहां से चली गई। अनिका और सईम दूर एक मेज पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। नौकरानी पास की एक खाली टेबल पर बैठ गई। मुंह चाय की तरह गंदा है। आकाश में बादलों ने लड़की को घेर लिया। कितनी छोटी छोटी बच्चों ने इतना कुछ सहा है कि वे अपने दिल की आप बीती किसी से कह नहीं सकती। वेटर रकीब चौधरी को मेन्यू दिखा रहा है, पत्नी से पूछ रहा है कि वह क्या खाएगी। रकीब चौधरी की पत्नी ने खाने का मेन्यू लिया और अपनी मनपसंद बिरयानी ऑर्डर की। उनकी छोटी बहन लामिया ने भी बिरयानी का ऑर्डर दिया। रकीब चौधरी बोले, जब सब बिरयानी खाते हैं तो मैं अकेला कुछ और कैसे खा सकता हूँ। वो मेरे लिए बिरयानी लाए। वेटर ने ऑर्डर लिया और चला गया। नौकरानी वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आज साहब जो खा रहे हैं वही खाऊंगी। वो अपने मन में यही सोच रही है और टेबल पर बैठे उसके साहब और मैडम उस दिशा को बार बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद वेटर आया और 3 प्लेट बिरयानी लेकर रकीब चौधरी की टेबल पर छोड़ गया। रकीब चौधरी खुश होकर खाने लगा। खाना शुरू करो, बिरयानी ठंडी होने पर मजा नहीं आता। रकीब चौधरी की बातें सुनकर सब खाने लगे। नौकरानी अकेली बैठी देख रही है। सर और मैडम खाने लगे। वे सोचने लगी, तो मेरा खाना थोड़ी देर बाद आएगा। नौकरानी भोजन का इंतजार करने लगी। इसी बीच रकीब चौधरी अपनी पत्नी और साली के साथ खुशी खुशी खाना खा रहे हैं। वे नौकरानी को अपने साथ ले आए। एक बार के लिए उसने परवाह नहीं की। अच्छा खाना पाकर शायद वो नौकरानी के बारे में भूल गया। अनिका और सईम दूर टेबल पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। काम वाली लड़की का कलेजा मरा देख सईम बोला, देख वे तीनों बैठकर खा रहे हैं जबकि नौकरानी को दूर रखा गया है। अनिका ने सईम की बात सुनी और वेटर को बुलाया। वेटर ने सामने आकर कहा, मैडम क्या मैं आपको कुछ और दूं? अनिका ने कहा, हमें कुछ नहीं देना है। वो जो छोटी लड़की उस मेज पर बैठी है, सामने की मेज के सज्जन उसे वही भोजन देंगे जो वे खा रहे हैं। वेटर ने ओके मैडम कहा और चला गया। नौकरानी मुर्दा बैठी सर मैडम को देख रही है। वेटर बिरयानी की प्लेट लेकर नौकरानी के सामने गया तो नौकरानी खुश होकर बोली, सर आपने मुझे खाना दिया है। वेटर ने लड़की की बातें सुनी और सईम और अनिका की ओर इशारा किया और कहा, उन्होंने तुम्हारा खाना मंगवा दिया है, आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। लड़की ने कहा, ठीक है सर। वेटर वहां से चला गया। लड़की खुशी से खाने लगी। इसी बीच रकीब चौधरी की पत्नी बिरयानी खा रही थी। अचानक उसकी नजर नौकरानी पर पड़ी। देखा कि वे क्या खा रहे हैं। उसकी नौकरानी भी वही खाती है। ये देखकर रकीब चौधरी की पत्नी ने उनसे पूछा, तुमने नौकरानी को खाना दिया है? रकीब चौधरी ने कहा, नहीं। यहाँ से नौकरानी को खिलाने क्यों जाते हो? घर में रात का खाना नहीं है, मैं घर जाकर खाऊंगा। रकीब चौधरी की पत्नी ने रकीब चौधरी की नौकरानी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो जो हम खा रहे हैं हमारी नौकरानी भी खा रही है। ऑर्डर नहीं किया तो बिरयानी कहाँ से लाए? रकीब चौधरी ने ये देखा और बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल से उठे और नौकरानी की टेबल की तरफ दौड़ पड़े। नौकरानी खुश होकर खा रही है। ऐसा लगता है कि उनके दिल में कोई दर्द नहीं है। रकीब चौधरी उसके पास आए और बोले, तुम्हें खाना किसने दिया? नौकरानी अनिका और सईम की ओर इशारा करके कहती है कि मौसी और चाचा बैठे हैं, उन्होंने दिया है।
रकीब चौधरी गुस्से में वहां से चला गया। अनिका और सईम बैठकर बातें कर रहे हैं। रकीब चौधरी उनके पास आए और बोले, तुमने मेरी नौकरानी को खाना क्यों दिया? क्या आप मुझे एक भिखारी के रूप में देखते हैं? मैं चाहूं तो इस रेस्टोरेंट को अभी खरीद सकता हूं। अनिका ने कहा, बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप नौकरानी को रेस्टोरेंट में लाकर दूर टेबल पर बिठाकर परिवार के साथ बिरयानी खा सकता है, लेकिन अपनी नौकरानी को एक प्लेट बिरयानी नहीं दे सकता, तो क्या वो दोबारा रेस्टोरेंट खरीदेगा? सुना है रुपए हो तो सब कुछ मुमकिन नहीं, मन जैसा मन सोचिए। सोचिए अगर आज आप उस नौकरानी के यहाँ होते तो आपने कैसा महसूस किया? तुम्हारे घर में बर्तन धोने से लेकर सब कुछ वो लड़की ही करती है, इसलिए तुम्हारा घर साफ है। मन को साफ करने के लिए अगर कोई नौकरानी मिल जाए जैसे वो लड़की घर को साफ रखती है, तो उसे रख लेना। फिर जैसे आपका शरीर स्वच्छ होगा, वैसे ही आपका मन भी स्वच्छ रहेगा। अनिका के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रकीब चौधरी पत्थर के हो गए। उसे एहसास हुआ कि इस अनजान लड़की ने जो कुछ कहा था वो सब सच था। तो अनिका कहने लगी, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, आज तुमने जो शब्द कहे मैंने कभी नहीं सोचा। ये लड़की मेरे घर में काम करती है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, काम में कोई फर्क नहीं है। मैंने इतने दिनों से दासियों को दासी ही क्यों देखा? आज से मैं भी नौकर हूँ और मेरे घर की कन्या भी नौकर है, काम में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए। रकीब चौधरी ने ये शब्द कहे और वहां से चले गए। नौकरानी बैठी खाना खा रही थी। रकीब चौधरी नौकरानी के पास गया और खाने की थाली हाथ में लेकर वहां से चला गया। रकीब चौधरी की पत्नी और साली अभी भी बिरयानी खा रहे थे। रकीब चौधरी अपनी नौकरानी को गोद में ले आए और रकीब चौधरी की पत्नी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए और बोले, खाओ, आज से आपको दूर बैठकर खाना नहीं पड़ेगा, जो हम खाते हैं तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। रकीब चौधरी की पत्नी ने कहा, आप हमारी टेबल पर एक नौकरानी को खिलाओगे और अब हम नौकरानी के साथ खाएंगे? रकीब चौधरी ने पत्नी को डांटते हुए कहा, हाँ, आज से मुझे अपनी नौकरानी के साथ बैठकर चावल खाने पड़ रहे हैं और आज से तुम इस बच्ची के साथ घर के सारे काम में हाथ बटाओगी। रकीब चौधरी की डांट के बाद उनकी पत्नी ने और कुछ नहीं कहा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।